हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आज आप फिर आप देख रहे हैं जशन म्यूजिक सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आइए, जुड़े रहिए, बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। और आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास एक कस्टमर की यहाँ पेटी लग के गई थी ट्रैक्टर पे, तो वो पेटी गई थी फुलसंदा कोतवाली के पास। और आज हम इस पेटी को जो है रिपेयरिंग दोबारा से करेंगे। लड़का हमारा जाकर फुलसंदे में जो है पेटी लगा के आएगा। उनकी पेटी टूट गई थी और पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे रिपेयरिंग की, कैसे कि ये सेट की पेटी हमने दोबारा बदली है। बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। और ये आप देख रहे हैं, जैसे कि पहुंच गए हैं, ये विकास पहुंच गया है फुलसंदे में, कोतवाली के पास पड़ता है फुलसंदा। वहां जाकर ये पेटी जो है बॉक्स कवर चढ़ा दिया है और पूरी फिटिंग दिखाएंगे आपको। इनकी पेटी ख़राब हो गई थी, देखते रहिए और बने रहिए। जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप देखते रहें। और ये पेटी में कवर चढ़ा के फिट कर दिया है। और इसके बाद जो है स्पीकर वगैरह सारे लगाएंगे, डैक लगाएंगे, चेक करेंगे पूरी अच्छी तरह। ये देखिए आप, एक स्पीकर इसमें लगा दिया है, दूसरा भी लग गया है, जाली रह गई उसमें लगाने वाली, वो भी लग जाएगी। और बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहें जशन म्यूजिक सेंटर यूट्यूब चैनल कोट कादर, आपकी सेवा में ऐसे ही वीडियो लाता रहेगा और आपको दिखाते रहेंगे हर रोज़ नई वीडियो। और ये हमने स्पीकर इसमें जो है लगा दिया है, ट्यूटर भी लगा दिए हैं, पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे अच्छी तरह से। और किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट और भी हमारे पास चाहिए, सभी तरह के मिल जाएंगे, छोटे बड़े सेट हमारे पास अवेलेबल हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, गोल में भी है, 8 इंची में, चकोर में भी है, 5 इंची में भी है, 4 इंच में भी है, रिक्शा की सिस्टम भी है, जैसे ये ई रिक्शा है उसके लिए भी जो है, सभी तरह के हमारे पास हैं। इसके बाद ये दूसरी जाली फिट कर रहे हैं। वीडियो शेयर करते रहे हमारी, क्योंकि सभी को पता लगना चाहिए कि आपके गांव नज़दीक गांव कोट कादर में म्यूजिक सिस्टम का एक शॉप है, वहां से हर तरह का म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं। और सभी तरह की रिपेयरिंग हमारे पास, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, LED, सभी तरह की रिपेयरिंग है हमारे पास, हर सेट रिपेयरिंग भी करते हैं। और ये पेटी हमने इसके जो है दूसरा अलॉय व्हील भी लगा दिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, बने रहें वीडियो के अंत तक और देखते रहें, क्योंकि हम पूरी वीडियो दिखाना चाह रहे हैं आपको। पिछली वीडियो में भाइयों आपने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ, और ऐसा ही प्यार आपका हमें चाहिए। और प्यार देते रहें, लाइक वीडियो शेयर करते रहें। और सभी भाइयों से निवेदन है कि जो भी भाई हमारा चैनल पर नए हैं वो जो है चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये हमने इसमें जो है इन्होंने एयर पास लगा दिया है, एयर पास वो भी फिट कर दिया है, ये वाला भी फिट हो गया है। और देखते रहें पूरी वीडियो, बने रहें वीडियो के अंत तक, अच्छी तरह पूरी बताई जाएगी आपको एक एक जानकारी। अब पेटी फिट हो गई है और इसको हम जो ट्रैक्टर पे चढ़ा दिया, हमने स्टैंड पे रख दिया है। इसके बाद इसकी वायरिंग कर रहे हैं, वायरिंग कंप्लीट होते ही ये चेक भी करेंगे। कस्टमर की फरमाइश थी कि भाई हमें जो है वहीं पे लगवा दो, आने जाने में तेल बहुत खर्च हो जाता है फुलसंदे से यहाँ कोट कादर में, लगभग
30-35 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, और हमने भी सोचा कि चलो लगवा देते हैं, हमारे कस्टमर हैं तो लग जाएगी। और देखते रहें आप, वीडियो में बने रहें। देखते रहें आप, जो है चेक कर रहे हैं। वीडियो में हम आपको आवाज़ नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आवाज़ देते हैं तो कॉपीराइट का सिस्टम हो जाता है, इसलिए आवाज़ नहीं सुनवा सकते। सेट ओके हो गया है, सेट लगा दिया है, पूरा सेट लग गया है, अच्छी तरह जो है चेक कर रहे हैं। और चेक करने के बाद जो है कंप्लीट करके ही वहाँ से आएंगे। अब इसकी जो है डैग वैग की तारे वारे सारी जो है कंप्लीट कर दी हैं, इसकी वायरिंग हो चुकी है। अभी इसकी जो है डैग हमने अंदर लगा दिया है, ये फिट हो गया है बॉक्स। जो भी भाई विजिट करना चाहे, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, तहसील नगीना, ग्राम कोटकादर, रायपुर के पास पड़ता है, और आने में कोई दिक्कत नहीं, ऑन रोड है शॉप हमारी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नगीना से कोटद्वार हाईवे रोड पर ही कोटकादर में शॉप है हमारी। और बने रहें वीडियो के अंत तक, देखते रहें। और ये हमने पेटी जो है कंप्लीट पूरा सेट हो गया है, ओके। इसके बाद ये चेक करके पूरी टेस्टिंग करके जो है छोड़ देंगे, इसके बाद ही वहाँ से आएंगे। देखते रहें।